जिला हमीरपुर में 4 दिनों के भीतर एनडीपीएस का तीसरा मामला सामने आया है। अब पुलिस ने जाहू में मंडी के रहने वाले एक युवक को 5.34 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस में केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार उर्फ टोनसा 34 वर्ष निवासी गाँव भांगबला जिला मंडी के रूप में हुई है। जिला हमीरपुर में 4 दिनों के भीतर एनडीपीएस का तीसरा मामला सामने आया है। अब पुलिस ने जाहू में मंडी के रहने वाले एक युवक को 5.34 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस में केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार उर्फ टोनसा 34 वर्ष निवासी गांव भामला जिला मंडी के रूप में हुई है। भोरंज थाना के SHO कुलबंत सिंह अपनी टीम के साथ जाहू जा रहे थे। इस दौरान जाहू सड़क पर एक युवक सामने से आ रहा था। पुलिस की गाड़ी को देख युवक पीछे भाग गया। जब पुलिस ने युवक का पीछा किया तो उससे 5.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इससे पहले पुलिस ने बिजड़ी निवासी विशाल कुमार को 3.69 ग्राम चिट्टे के साथ 6 जनवरी को गिरफ्तार किया, जबकि उससे पहले 4 जनवरी को पुलिस ने हमीरपुर के अणुकला में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 युवकों से 71 ग्राम चरस और 39 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। नए साल के पहले हफ्ते में ही हमीरपुर पुलिस ने एनडीपीएस में 3 मामले दर्ज किए हैं, जबकि एक्साइज विभाग ने टोनी देवी में 150 पेटी अंग्रेजी शराब बिना परमिट के बरामद की थी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सिंह ठाकुर ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, किसी भी नशे के कारोबारी को नहीं बख्शा जाएगा। स्टेशन भोरंज की जाहू चौकी की जुरिस्डिक्शन में कल एक 5.34 ग्राम स्मैक का मामला सामने आया है। पुलिस SHO पुलिस स्टेशन भोरंज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन की टीम एक कहीं सरकारी काम से वापस आ रही थी और वो लोग जाहू पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने साइड के रास्ते से किसी व्यक्ति को पैदल चलते हुए देखा। वो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखते ही मुड़ के भागने की कोशिश करने लगा और उसने पुलिस के सामने ही कोई पदार्थ अपने जेब से निकालकर झाड़ियों में फेंका, जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ। उन्होंने उसको करीब 20 मीटर दूर जाकर उसको दबोचा और उससे थोड़ा पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपना जो अपनी जेब से निकाल कर कुछ वहाँ झाड़ियों में फेंका था, उसने वहाँ की निशानदेही करवाई। वहाँ से जब वो पदार्थ उठाया गया तो वो 5.34 ग्राम हीरोइन मिली, जिसकी आगे की कार्रवाई जारी है। कार्यक्रम में वक्त चला है, शॉर्ट से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।